हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हमने स्पेसिफिक बोरिंग से पर्टेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। तो कहता है, मनी लिमिटेड बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 फरवरी 2015 एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन 2015 वर पेड एज फॉलो। एक कंपनी हमारे पास मनी लिमिटेड से, जिन्होंने एक नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1 फरवरी 2015 पे, और 2015 में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने डिफरेंट डेट्स पे की उनकी डिटेल दे रहा है। 1 फरवरी पे हमने 5 लाख रुपए पे किए, 1 जुलाई पे हमने 6 लाख रुपए पे किए और 1 नवंबर पे हमने 8 लाख रुपए पे किए। कहता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एंडेड ऑन 1 दिसंबर 2015। 1 दिसंबर 2015 पे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। एंड व्हेन द बिल्डिंग वाज कंप्लीट एंड रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, द बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर 10 ईयर्स टू अ नील रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मैथड। हमने बिल्डिंग को 10 साल की यूजफुल लाइफ पे जीरो रेजिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन मैथड पर डेप्रिशिएट करना है। The construction was financed by a loan of ₹1.9 million from Cash Limited. The loan was raised on 1 January 2015 specifically to facilitate the construction of the building. The interest rate is 25% per annum and there were no capital repayments during the year. Surplus funds were invested at ₹20% per annum and the interest is compounded annually. करें, जो हमने 19 लाख रुपए की construction finance की है, इसके लिए हमने Cash Limited से एक specific loan लिया 1 January 2015 पे। लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट था 12.25% का। कोई ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल रिपेमेंट यानी कि लोन रिपेमेंट हमने नहीं की और जो भी सरप्लस फंड है उसे हम 20% पे इन्वेस्ट कर देंगे। द बिल्डिंग इज अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर द पर्पस ऑफ IS-23 और ये एसेट एक क्वालिफाइंग एसेट है। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग एट 31 दिसंबर 2015। तो हमें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, डेप्रिसिएशन और साल के आखिर में एसेट की कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब पहले तो मैं इस सवाल में अगेन टाइमलाइन बना लेता हूँ। हमारा ईयर है 2015। तो हमने पूरे 12 महीनों का एक टाइमलाइन बना लिया। 1 जनवरी 2015 पे ये स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2015 पे ये एंड हो रहा है। अब सवाल में हमने ये बताया गया है कि हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1 फरवरी 2015 पे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 1 दिसंबर 2015 पे, यानी कि जो साल का पहला महीना है जनवरी का महीना, इस पीरियड में हमारी कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी और साल का जो आखिरी महीना है दिसंबर 2015, इसमें भी कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही 1 फरवरी पे हुई है और कंस्ट्रक्शन एंड हुई है 1 दिसंबर पे। तो 12 में से 10 महीने हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन है। अच्छा, फिर अगर हम फंड्स के डेटा प्लॉट करें तो हमने इस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए 1.9 मिलियन का लोन लिया था 1 जनवरी 2015 पे, यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग के जो फंड्स आए थे वो आए थे साल के पहले दिन 1 जनवरी 2015 पे 19 लाख रुपए। फिर जो एक्सपेंडिचर्स की डिटेल है उसे भी प्लॉट कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने पहली पेमेंट की है 5 लाख रुपए की 1 फरवरी पे, तो 1 फरवरी का मतलब है कि हमने 5 लाख रुपए यहाँ पे किए। ये जनवरी का महीना और ये फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ और फरवरी के स्टार्ट पे हमने 5 लाख रुपए पे किए। फिर हमने सेकंड पेमेंट की है 6 लाख रुपए की 1 जुलाई पे, तो हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई का महीना, और जुलाई के महीने के स्टार्ट पे किया यानी कि हमने यहाँ पे किया। कितना अमाउंट पे किया सर? 6 लाख रुपए का। और तीसरा अमाउंट आपने पे किया 8 लाख रुपए का 1 नवंबर पे। 1 नवंबर का मतलब है कि हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये नवंबर का महीना है और नवंबर के स्टार्ट में हमने पे किया, नवंबर के स्टार्ट में हमने 8 लाख रुपए पे किए। अब अगर हम सरप्लस फंड वर्कआउट करें तो डे वन पे हमारे पास साल के पहले दिन 19 लाख रुपए आ गए और डे वन पे कोई खर्चा नहीं हुआ, तो डे वन पे हमारा सरप्लस फंड 19 लाख रुपए है। फिर एक महीने बाद 1 फरवरी पे हमने 5 लाख पे किया तो हमारा सरप्लस फंड 14 लाख रह गया। फिर कुछ 3-4 महीने के बाद हमने 6 लाख रुपए पे किया तो हमारा सरप्लस फंड 8 लाख रह गया। और फिर हमने 1 नवंबर पे 8 लाख पे किया तो हमारा सरप्लस फंड खत्म हो गया। ये हमने प्रॉपर एक अगर टाइमलाइन बना ली तो आपका मोर देन 50% सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया। बस अब आपने कैलकुलेशन करनी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग देखें, देखिए टोटल आपका 19 लाख रुपए का लोन है और 19 लाख रुपए के ऊपर 25% से मार्कअप चार्ज होगा। अब मार्कअप तो आपको चार्ज होगा साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक,
लेकिन हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन पूरे 12 महीने नहीं बल्कि 1 फरवरी 2015 से लेकर 1 दिसंबर 2015 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 मंथ्स बनता है। तो बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हमारा होगा 19,25% × 10/12। फिर जिन पीरियड्स में हमारे पास सरप्लस फंड्स था उन पे हमें इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी, तो इससे हम लेस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, पहला जो महीना है ना, जनवरी का महीना, इस महीने में हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब एक्सपेंडिचर हो, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो और बोरिंग कॉस्ट चार्ज हो रही हो। तो पहले महीने में बोरिंग कॉस्ट तो चार्ज हो रही है क्योंकि 19 लाख का लोन आपने डे वन पे लिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन का भी स्टार्ट हुई है 1 फरवरी पे। इस वजह से पहले महीने का बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज नहीं किया, सिर्फ 10 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था। और हमने ये भी प्रोविजन कवर किया था कि जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकता उस पीरियड में इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस फंड बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि ये 19 लाख रुपए जो आपने एक महीने इन्वेस्ट किए होंगे उस पर आने वाली इंटरेस्ट इनकम आपके पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, ना कि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस करेगी। 19 लाख रुपए को एक महीना इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, 19 लाख में से 5 लाख की पेमेंट की तो हमारे पास 14 लाख रह गए। सर, हमने 14 लाख इन्वेस्ट कर दिए होंगे सरप्लस फंड के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट था 20%। कितने महीनों के लिए? 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 5 महीनों बाद आपने 6 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। तो 14 लाख को मैं 20% पे इन्वेस्ट कर दूंगा 5 महीने के लिए, 5/12। फिर हमने 5 महीने बाद 6 लाख की पेमेंट की तो हमारे पास फंड्स रह गए 8 लाख। इन 8 लाख को भी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा 20% पे। कितने अरसे के लिए? 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 4 महीने बाद हमें 8 लाख की पेमेंट करनी है, सरप्लस फंड एंड हो जाएगा। तो 6, 8 लाख रुपए के ऊपर 20% × 4/12। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो 19 लाख पे 25% 10 महीनों का इंटरेस्ट आएगा 395,833। 14 लाख की सरप्लस फंड पे 5 महीनों की 20% से इंटरेस्ट इनकम आएगी 116,667। और 8 लाख रुपए 20% के हिसाब से 4 महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी 53,333। तो इन तीनों का डिफरेंशियल आपके पास बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ जाएगा, दैट इज 225,833। ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए है कि आपने बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपसे सवाल में पूछा गया था कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और 31 दिसंबर पे वैल्यू भी बता दें। यहाँ देखिएगा सर, सबसे पहले हमारा एसेट रेडी हुआ 1 दिसंबर 2015 पे, तो हमारा जो भी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट होगी सर 19 लाख रुपये, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 19 लाख रुपये की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, और 2,25,833 का हमने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया, तो हमारे पास टोटल एसेट की कॉस्ट आ गई 2,125,833। ये हमारे एसेट की टोटल कैपिटलाइज कॉस्ट है 1 दिसंबर 2015 पे। अब अगर हमें 2015 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है तो 2015 के लिए इन्होंने बताया था कि एसेट की 10 साल की यूजफुल लाइफ है, जीरो रिजर्व वैल्यू है, तो 2,125,833 माइनस जीरो क्योंकि रिजर्व वैल्यू जीरो है, डिवाइडेड बाई 10 क्योंकि 10 साल की यूजफुल लाइफ है। अब हमें सिर्फ एक ही महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, दिसंबर के महीने का, क्योंकि हमारा एसेट कंप्लीट ही 1 दिसंबर पे हुआ है। तो एक महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए इसे मैं 1/12 कर देता हूँ, 1/12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास 17,715। और 17,715 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास 31 दिसंबर 2015 पे एसेट की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, दैट इज 2,108,118। तो ये सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी थी कि हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, ये सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर सी थी कि हमें ईयर एंड पे कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी। अच्छा, एक चीज़ इस सवाल में मांगी नहीं गई, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पीएनएल में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा, तो हमारे पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हुआ होगा? सर, 19 लाख रुपए के लोन पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आया है, जिसमें से हमने 10 महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है। तो शुरू का पहला महीना और आखिरी का एक महीना, इन 2 महीनों का इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस आउट हुआ होगा। तो 25 मिलियन के लोन पे 25% के हिसाब से 2 महीनों का इंटरेस्ट आपने एक्सपेंस आउट किया होगा, तो ये बन रहा है हमारे पास 7,9,166। ये आपके पीनल में एक्सपेंस आउट हुआ होगा।
अच्छा, जब पहले दिन आपके पास 19 लाख रुपए आ गए और 19 लाख रुपए खर्च नहीं हुए, तो आपने उसे एक महीने के लिए इन्वेस्ट भी किया होगा। अब इस एक महीने की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं कर रही, तो ये एक महीने की इंटरेस्ट इनकम भी आपके पीएनएल में गई होगी, आपके पीएनएल में रिकॉर्ड हुई होगी। तो इंटरेस्ट इनकम 19 लाख इंटू 20% फॉर वन मंथ ओनली, तो ये बनेगा हमारे पास 31667। तो ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट कि जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ वो एक्सपेंस आउट हुआ, जिस इंटरेस्ट इनकम ने हमारी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं किया, वो भी हमारे पीएनएल में एज अ इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हुआ। तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।